और चलिए एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, लेकिन चंडीगढ़ से है वो बड़ी खबर। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल बीजेपी नेताओं से बैठक करेंगे और 11 बजे सीएम कैंप ऑफिस में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा कई मुद्दों को लेकर। इसके अलावा जानकारी मिल रही कि कुरुक्षेत्र से बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, विकास कार्य समेत कई मुद्दों को लेकर विचार विमर्श गहनता से मंथन किया जाएगा इस बैठक में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अनिल दत्त से इम्फाल जुड़ गए। अनिल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 11 बजे सीएम कैंप ऑफिस में बैठक आयोजित की जाएगी, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र लोकसभा से बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की जाएगी जी। और इससे पहले मुख्यमंत्री की तरफ से सोनीपत, हिसार, गुरुग्राम, अंबाला जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनकी भी बैठकें की जा चुकी हैं। इनमें मुख्यमंत्री की तरफ से फीडबैक दिया जाता है कि कितनी घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से लोकसभा क्षेत्र को लेकर की गई थी उसकी पूरी हुई है, कौन सी घोषणाएं अभी ऐसी हैं जो पेंडिंग है, साथ ही किस तरीके से लोकसभा क्षेत्र में विकास के जो तमाम कार्य हैं वो हो रहे हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ कितना आम लोगों तक पहुंच पा रहा है। और इसी के साथ क्योंकि बीजेपी के जो तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे लोकसभा क्षेत्र से जुड़े, उनकी तरफ से अपनी दिक्कतें या जो समस्याएं हैं या जो सुझाव रहते हैं कि और किस तरीके से बेहतर कार्य किया जा सकता है, ये तमाम सुझाव भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखे जाएंगे जी। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे क्या चुनावों को लेकर भी इस बैठक में विचार विमर्श किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि रणनीति चुनाव को लेकर रहती है, लेकिन चुनाव में जाने से पहले किस तरीके से आम लोगों तक तमाम विकास के कार्य, विकास की योजनाएं पहुंच रही है, इनकी समीक्षा फिलहाल में की जाती है कि किसी तरीके से भी लोगों को परेशानी ना हो और ज्यादा से ज्यादा लोग जो सरकार की योजनाएं उनका लाभ उठा पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल दास सिंह वाले तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी जानकारी दी कि 11 बजे सीएम कैंप ऑफिस में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा और आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र से बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। किस तरीके से आगे काम करना है इसको लेकर मंथन किया जाना है, साथ ही विकास कार्यों के साथ तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी।